भारती कॉलेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आई हूँ। मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो एग्जाम था वो 5th of September सेरिकल्चर सब्जेक्ट का था, बैच 2017 हम है, और हम ये बताना चाहते हैं हमने एग्जाम दिया है, और यूनिवर्सिटी वाले हमें परसों नोटिफिकेशन निकाले कि आप रीअपेयर हो जाए एग्जाम के लिए, जो कि सरासर गलत है। उनके अकॉर्डिंग टू देम वो बोल रहे हैं कि जो ये पेपर आया था ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं आया था, लेकिन जबकि बच्चों को ही पता चलेगा पेपर आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं। ये पेपर बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये 110% ये सिलेबस में ही है। ये पूरा ये जो पूरा पेपर है ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ये है पेपर आप देख सकते हैं। हमारी डिमांड ये है, अगर इनको लगता है कि कुछ बच्चों को लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस था वो रीअपेयर हो, लेकिन वो नहीं, जो सारे क्यों सफ़र करें, एक बच्चे के लिए सारे क्यों सफ़र करें। परसों नवाकदर कॉलेज वाली ने भी ये बोला था, सेरिकल्चर वो भी यही इसीलिए आए थे यहाँ पे, तो हम बाहर वाले भी थे ना आज, तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, तो वहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि मैं आपको शाम तक हम 7 बजे तक बताएंगे। ठीक सर, मैंने बताया कि क्या बताओगे, तो उन्होंने बोला कि हम आपको बताएंगे कि जो विलिंग होगा एग्जाम देने में वो एग्जाम देगा, जो नहीं होगा वो नहीं देगा। सर देखिए, परसों हमने ये बात भी की, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई थी कि जो एग्जाम नहीं देगा उसको एब्सेंट किया जाएगा। सर अब हम बोल रहे हैं कि बाज़ाबिता हमें इस बात की नोटिफिकेशन निकाले कि ठीक है, जो नहीं देना चाहता एग्जाम, जिसको पता है कि हम लोग पास है, हमारा आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था, उनको बस पास कर दीजिए। ये खाली हमारी बात नहीं है, वो भी यही चाहते हैं, वो भी विश्व भारती कॉलेज से ब्लॉक, और यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे कि हम देखेंगे शाम तक बता देंगे आपको, अभी पूरा पढ़ेंगे। ये ऑप्शनल, हर कोई अपीयर ना हो ये ऑप्शनल, जिसको पता है कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है वो एग्जाम ना दे, जिसको पता है कि मुझे जिसको लगेगा जो कि ये सच नहीं है, क्योंकि सर देखिए जिस दिन एग्जाम हो गया था हम रिजल्ट 2016 बैच भी थे, 2017 बैच भी थे। हमारे कॉलेज में क्या हो गया, तो हमारे सर ने बताया कि 2016 बैच के वाले अलग हो जाओ, 2017 बैच के वाले अलग हो जाओ। सर ये कैसे पॉसिबल है कि 2016 और 17 का मिक्सचर हो गया, जबकि इन दोनों का अलग था, 16 को अलग रखा था और 17 को अलग रखा था। सर ये बिल्कुल ये लोग बेसलेस दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बस हम रीअपेयर नहीं होना चाहते एग्जाम में, हमें बाज़ाबिता नोटिफिकेशन निकाले शाम तक प्लीज, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स आउट ऑफ रिक्वेस्ट यू कि शाम तक हमारे लिए नोटिफिकेशन निकाले कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सर हम 5 दिन के बाद कैसे कर पाएंगे एग्जाम के लिए।